इसका जो चेसिस है वो यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है ये डिज़ाइन किया गया है। ये इंजन कभी मतलब क्रैक व्रैक कुछ भी नहीं आएगा, अगर आप हैवी ड्यूटी काम भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसका शाफ्ट बिल्कुल इंजन के अंदर से गया है, आप इसका ये देख सकते हैं, ये इंजन है, यहाँ पर इंजन ऑयल रहता है और नीचे से ये शाफ्ट गया है। इसकी वजह से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और शाफ्ट की टूट फूट की जो चांस रहता है वो भी यहाँ पर कम होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा फ्लैट प्लेटफॉर्म इसमें आपको मिल जाएगा, काफ़ी लार्ज टाइप का। मैंने इस तरह का गियरबॉक्स बाकी ट्रैक्टर में नहीं देखा है अभी तक, आप यहाँ पर इसका जो मैकेनिज्म है वो देख सकते हैं। ये गियर लीवर यहाँ से मैनेज होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक उंगली में जो है ये गियर लीवर शिफ्ट होता है। बहुत ही आसानी से आप ट्रैक्टर को फुल स्पीड पर भी चला के जो है गियर आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक कार टाइप का जो है यहाँ पर गियर शिफ्ट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही आराम से जो है यहाँ पर गियर शिफ्ट हो रहा है। किसानों के डिमांड के ऊपर जो है इस ट्रैक्टर में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। जैसे कि आप इसका आगे का टायर देख सकते हैं, आगे का टायर पहले 8-18 का आता था लेकिन अब जो है कंपनी 9-5-18 का दे रहा है। ये हिस्सा आप देख सकते हैं, ये 9-5 का है, यानी पहले 8 का आता था अब जो है 9-5 कर दिया है, यानी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप बना दिया है अब कंपनी ने। पहले का जो टायर आता था वो ज़्यादा ग्रिप नहीं बना पाता था लेकिन अब जो है आप इसका जो टायर देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ग्रिप बना के चलेगा। इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मक्खन तरीके से काम करता है, कार टाइप काम करता है। तो चलिए इसका भी हम डेमो ले लेते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आज हमारे पास है जैपनीज टेक्नोलॉजी वाला कुबोटा MU4501 फोर व्हील ड्राइव। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम जो है इस ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से जो है इस ट्रैक्टर में बहुत कुछ बदलाव किया गया है। जैसे कि आप फ्रंट टायर देख सकते हैं, पहले जो है पुराने मॉडल जो आते थे इसमें 8-18 के टायर आते थे लेकिन अब जो है इसमें 9-5-18 के टायर आ रहे हैं। और भी बहुत कुछ जो है इस ट्रैक्टर में बदलाव किया गया है जो कि विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मशीनरी ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो लुक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल जो ट्रैक्टर है ये ऑरेंज कलर की लुक्स में ये आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुबोटा की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर 3D लुक्स क्रोम फिनिश्ड जो है 3D डिज़ाइन के साथ यहाँ पर कुबोटा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं MU4501 की जो ब्रांडिंग है यहाँ पर किया गया है। नीचे आपको यहाँ पर शटल शिफ्ट पावर स्टीयरिंग की जो बैजिंग है यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद फोर व्हील ड्राइव जो बैजिंग है वो सब यहाँ पर मिल जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो जो है टोटल ट्रैक्टर जो है बहुत ही बेहतरीन लुक्स के साथ यहाँ पर आता है। तो चलिए ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू शुरू करते हैं। तो ट्रैक्टर के सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट देखने को मिल जाएगा जो कि लगभग 50 से 60 kg की है। उसके बाद अगर हम बोनेट की बात करें तो इसका जो बोनेट है ये आगे से खुलती है, इसको खोलने के लिए आपको जो है यहाँ पर एक लॉक मिल जाएगा। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं बोनेट जो है बिल्कुल कार टाइप जो है ऊपर उठ जाता है और बहुत ही आसानी से जो है धक्का देना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर खुल जाता है। बोनेट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं इंजन, रेडिएटर, एयर क्लीनर सब कुछ जो है यहाँ पर मिल जाता है। इसका जो इंजन आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट, बहुत ही शानदार जैपनीज टेक्नोलॉजी वाला कॉम्पैक्ट इंजन इसमें देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो इंजन जो है बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट साइज़ का नज़र भी नहीं आएगा किसान को, मतलब ये मान के चलिए कि बिना इंजन वाला ट्रैक्टर ही है। और इसका जो फैन है देख सकते हैं, फैन काफ़ी बड़ा है और इंजन देख सकते हैं इंजन कितना छोटा है, यानी काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का इंजन है। ये जो इंजन है ये 4 सिलेंडर का इंजन है। इंजन के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको इसका रेडिएटर दिखाता हूँ। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं इंजन, इसका जो रेडिएटर है यहाँ पर दिया गया है और रेडिएटर के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेपरेट जाली दिया गया है, इसके वजह से आराम से आप रखरखाव कर सकते हैं इसका। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ड्राई टाइप का ड्यूल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर मिल जाता है, उसके ऊपर आप चोक सेंसर भी मिल जाएगा। जस्ट नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक बैटरी मिल जाएगा एक साइड का और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कूलेंट बॉक्स मिल जाएगा। इंजन के इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है इसका मफलर है। यहाँ पर जब इंजन स्टार्ट होता है तो इसका जो साउंड है यहाँ पर कंप्रेस होकर जो है बहुत ही कम साउंड पैदा करता है ये। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंजन, इतने हिस्से में बस इसका इंजन है और उसके ऊपर ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फ्यूल टैंक है यहाँ पर मिल जाएगा। और ये फ्यूल टैंक भी जो है ये 60 लीटर की इंजन के ऊपर ही माउंट करके दिया गया है। हालांकि फ्यूल टैंक और इंजन के में जो है गैप देखने को मिल जाएगा, लगभग इतना गैप जो है यहाँ पर मेंटेन करके रखा गया है।
अगर हम इसके इंजन की मजबूती की बात करें तो इसका जो मजबूती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से इसकी डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आराम से आप डोजर या फिर कुछ भी यहाँ पर माउंट करके चला सकते हैं। इसका जो चेसिस है वो यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है ये डिज़ाइन किया गया है। ये इंजन कभी मतलब क्रैक व्रैक कुछ भी नहीं आएगा, अगर आप हैवी ड्यूटी काम भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। दिखने में काफ़ी छोटा इंजन है लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसको डिज़ाइन किया गया है, कभी जो है ये टूट फूट की समस्या जो है कुछ भी नहीं आएगा इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सेल्फ है यहाँ पर एक काफ़ी छोटे साइज़ का यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए इसके इंजन के बारे में डिटेल में जानते हैं। इसके अगर हम इंजन की बात करें तो ये इंजन आता है 4 सिलेंडर का इंजन के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हैं KQ4P। KQ4P मतलब होता है कुबोटा क्वाड पिस्टन इंजन इसमें मिल जाएगा, यानी 4 सिलेंडर वाला इंजन मिल जाएगा। इस इंजन में जो है बैलेंसर शाफ्ट दिया गया है, वो एक टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से जो है ये इंजन बहुत ही कम वाइब्रेट होता है। यानी मान के चलिए कि ये ट्रैक्टर नहीं कार है, जैसे हम कार में बैठते हैं तो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होता है, साउंड भी बिल्कुल नहीं होता है, फिर बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही ये इंजन है, इसमें साउंड नहीं आता है और वाइब्रेशन भी ज़ीरो है, ये जो है कंपनी दावा करता है। और ये एक्चुअली में है भी, मैंने बहुत जगह देखा है कि ये ट्रैक्टर वाइब्रेट नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे, सिंक्रोमैश, ड्यूल PTO, ड्यूल क्लच, इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। तो ये इंजन जो है 2434 cc का इंजन है, 4 सिलेंडर वाला। इंजन रेटेड RPM की बात करें तो 2000 रेटेड RPM पर ये वर्क करता है। मैक्स टॉर्क की बात करें तो इस ट्रैक्टर का मैक्स टॉर्क जो है 153 न्यूटन मीटर का है। बैकअप टॉर्क की बात करें तो 27% तक का जो है बैकअप टॉर्क ये प्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूल टाइप का जो डीजल फिल्टर है यहाँ पर मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर में आपको वाटर सेपरेटर भी देखने को मिल जाता है, हालांकि बहुत कंपनी जो है अब देना बंद कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको वाटर सेपरेटर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा देखने को मिल जाएगा, ये जो है इसका हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है। इसकी जो लुक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑरेंज प्लस ब्लैक कलर की जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बीच में कुबोटा की लोगो मिल जाएगा, दोनों साइड जो है हैलोजन लाइट मिल जाएंगे। और लुक्स आप इसका देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन एरोडायनामिक लुक्स इसका है और डिज़ाइन वाइज जो है काफ़ी बढ़िया है, कुबोटा ने इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है। अब हम इसके ट्रांसमिशन सिस्टम और गेयरबॉक्स के बारे में बात करते हैं, ड्राइविंग प्लेटफॉर्म कैसा है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो इसका प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लैट प्लेटफॉर्म इसमें आपको मिल जाएगा, काफ़ी लार्ज टाइप का 45 HP श्रेणी में जो है काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ड्राइविंग कंफर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इस ट्रैक्टर में आपको मिलने वाला है, साइड शिफ्ट गियर लीवर मिल जाएगा। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये गियरबॉक्स जो है ये फुल्ली साइड शिफ्ट गियरबॉक्स है, मैंने इस तरह का गियरबॉक्स बाकी ट्रैक्टर में नहीं देखा है अभी तक। आप यहाँ पर इसका जो मैकेनिज्म है वो देख सकते हैं, ये जैसे कि गियर लीवर है, इसकी आप मैकेनिज्म देख सकते हैं, यहाँ से आया है और ये मैनुअली चलता है, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। मतलब ये गियर लीवर यहाँ से मैनेज होता है, ये बेसिकली हाई और लो का मेंटेन करता है। ये जैसे कि ये दिख रहा है, ये रिवर्स का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ये कैसे वर्क करता है, ये देख सकते हैं ये कैसे हिल रहा है, ये शिफ्टर है, स्लाइड शिफ्टर इसे कहते हैं, इस तरह से ये काम करता है। और ये सिस्टम जो है ये नीचे से आया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ से आया है और ये डायरेक्ट इसके अंदर गया है, मतलब ये बिल्कुल एक साइड शिफ्टेड गियर लीवर है, बाकी ट्रैक्टरों की तरह इसमें मोड़ के नहीं दिया गया है, ये डायरेक्ट जो है साइड शिफ्ट गियर लीवर इसमें दिया गया है। उसके बाद एक और अच्छी बात इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं सस्पेंडेड टाइप का जो क्लच और ब्रेक पैडल है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ये ड्राइवर को जो है काफ़ी थकान महसूस नहीं होने देगा, बहुत ही कम्फर्टेबली जो है कोई भी ड्राइवर इसको ऑपरेट कर सकता है। ऊपर से देखते हैं इसकी ड्राइविंग व्यू कैसा आता है। तो ऊपर चढ़ने के बाद आप इसका जो आगे की विजिबिलिटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से इसका लुक्स है, आगे कोई भी प्री क्लीनर नहीं है, बहुत ही शानदार आगे से दिखता है। यहाँ पर आपको जो है 60 लीटर की फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि लॉकिंग सिस्टम के साथ आता है। और इसका जो स्टीयरिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया शानदार मिल जाता है। इसका जो
इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको मिल जाता है। ये रात में काफ़ी खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर सारे जो है LED लाइट्स यहाँ पर दिख जाएंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव ये दिखता है। इसके अगर हम ड्राइविंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका आप ड्राइविंग प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, काफ़ी खुला खुला प्लेटफॉर्म है और बहुत ही सपाट है, बहुत ही आरामदायक प्लेटफॉर्म है। इस तरफ आप देख सकते हैं सस्पेंडेड टाइप का क्लच पैडल देखने को मिल जाएगा और ये क्लच जो है ये डायफ्राम टाइप का क्लच है। ये गियरबॉक्स के लिए यहाँ पर क्लच दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट PTO लीवर इसमें दिया गया है, यानी डबल क्लच स्ट्रक्चर में आपको मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद इस तरफ अगर हम देखें तो इस तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं सस्पेंडेड टाइप का ऑयल इमर्ज ब्रेक, यानी पूरा का पूरा तेल में डूबा हुआ ब्रेक जो है इस तरफ आपको मिल जाएगा। ये जो है ब्रेक है और इस तरफ यहाँ एक छोटा सा लीवर देख सकते हैं, ये इसका हैंड ब्रेक है। इसका अगर हम गियरबॉक्स की बात करें तो इसका आप गियरबॉक्स देख सकते हैं, साइड सीटेड गियरबॉक्स है। इस तरफ अगर हम बात करें तो ड्राइवर के लेफ्ट कॉर्नर में आपको लो, रिवर्स और हाई का गियर लीवर इस तरफ मिल जाता है। वहीं इस तरफ अगर हम बात करें तो इस तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 स्पीड का गियर लीवर जो है इस तरफ आपको मिल जाता है, यानी टोटल जो है 8 फॉरवर्ड प्लस 4 रिवर्स का गियरबॉक्स जो है इसमें आपको फुल्ली सिंक्रोमैश टाइप का गियरबॉक्स मिल जाता है। हाँ, इसमें आपको जो है फुल्ली सिंक्रोमैश टाइप का गियरबॉक्स मिलता है जो कि कार टाइप का गियरबॉक्स है, यानी ये गियरबॉक्स जो है इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्मूथली काम करता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक उंगली में जो है ये गियर लीवर शिफ्ट होता है, बहुत ही आसानी से आप ट्रैक्टर को फुल स्पीड पर भी चला के जो है गियर आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक कार टाइप का जो है यहाँ पर गियर शिफ्ट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आराम से जो है यहाँ पर गियर शिफ्ट हो रहा है, कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद इस तरफ अगर हम देखें तो इस तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं पोजीशन कंट्रोल और ड्रॉप कंट्रोल के लीवर जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन करके दिया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक भी देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ इसमें दिया है। ड्राइवर के लेफ्ट कॉर्नर में देखें तो एक और लीवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो है इसका 4 व्हील ड्राइव से 2 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव मोड में चेंज करने के लिए यहाँ पर जो है कंपनी लीवर दिया है। स्ट्रक्चर में अगर हम PTO लीवर की बात करें तो PTO लीवर जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, PTO लीवर जो है आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर पीछे की तरफ आएँ और इसके पिछले हिस्से के बारे में बात करें तो इसका आप पिछला हिस्सा देख सकते हैं, कुबोटा कंपनी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी यहाँ पर पिछला हिस्सा मिल जाएगा। लोअर लिंकेज की क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, पीछे जो हिंच दिया गया है वो आप देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। PTO जो है यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप हाइड्रोलिक और ट्रांसमिशन की ऑयल जो है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मीटा की हाइड्रोलिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3-पॉइंट टॉप लिंक सेंसिंग के साथ। यहाँ पर आपको सिंगल ऑक्सिलरी वाल्व मिल जाएगा, कंपनी फिटेड आप ड्यूल भी ले सकते हैं, ऑप्शनली वो आता है। इसका अगर हम लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1640 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ ये आता है। इसके अगर हम रियर एक्सल की बात करें तो रियर एक्सल आप यहाँ पर देख सकते हैं हैवी ड्यूटी वाला प्लानेटरी रिडक्शन टाइप का रियर एक्सल इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि एपिसाइक्लिक रिडक्शन भी कुछ लोग कहते हैं, वो आपको जो है इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइबर का जो टूल बॉक्स है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, नंबर प्लेट की पोजीशन जो है यहाँ पर कंपनी ने दिया है और छोटा सा लाइट यहाँ पर भी लगा के दिया है। कुछ इस तरह से जो है पीछे की आपको लुक्स देखने को मिल जाएगा कुबोटा की तरफ से। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं एक लीवर दिया है, ये इसकी PTO की लीवर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन दिया गया है। ये ट्रैक्टर जो है 540 प्लस 750 PTO RPM जनरेट करता है, यानी अगर हम इस लीवर को यहाँ करेंगे, यानी अगर हम इस लीवर को इधर करेंगे तो ये 540 PTO RPM जनरेट करेगा और अगर हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये 750 PTO RPM जनरेट करेगा। इसके साथ आपको रिवर्स PTO का भी ऑप्शनल आता है, वो ऑप्शनल आता है, आप उसको चाहें तो ले भी सकते हैं। इस ट्रैक्टर की अगर हम टायर साइज़ के बारे में बात करें तो पिछला टायर जो है इसमें आपको 14x28 का मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको जो है 14x28 का टायर देखने को मिल जाएगा, जो कि BKT के तरफ से आता है, हाई लॉक टायर है, पोडलिंग काम करने के लिए काफ़ी बेहतरीन ये टायर है। उसके बाद इसके आगे की टायर की बात करें तो अगला टायर जो है इसमें आपको 9/5/18 का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये टायर भी जो है ये BKT का है, दोनों ही टायर जो है हाई लॉक टायर हैं। पोडलिंग काम करने के लिए जो है 45 HP श्रेणी में काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है, जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। कंपनी का दावा है कि ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे कम डीजल खपत करता है। इसके अगर हम फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो ये ट्रैक्टर जो है रोटावेटर पर 1 घंटे में 5 लीटर की डीजल खपत करता है।
वहीं ट्रॉली में अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लीटर ये डीजल खपत करता है। इसके अगर हम फोर व्हील ड्राइव एक्सेल की बात करें तो इसका आप एक्सेल देख सकते हैं, बेवल एंड पिनियन टाइप का फ्रंट एक्सेल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये वाटर सील्ड एक्सेल है, आप आराम से पडलिंग का काम कर सकते हैं, इसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं आने वाला है, इसके अंदर वाटर और कीचड़ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। इसके अगर हम फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट की जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका शाफ्ट बिल्कुल इंजन के अंदर से गया है। आप इसका ये देख सकते हैं, ये इंजन है, यहाँ पर इंजन ऑयल रहता है और इंजन से बिल्कुल नीचे से आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे से ये शाफ्ट गया है। इसकी वजह से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और शाफ्ट की टूट फूट की जो चांस रहता है वो भी यहाँ पर कम होने वाला है। ये खूबी जो है इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिया गया है, ये कुबोटा अच्छा किया है। वहीं इसके अगर हम पावर स्टीयरिंग की पोजीशन की बात करें तो इसका जो पावर स्टीयरिंग की पोजीशन है आप यहाँ आगे देखने को मिल जाएगा, और ये ट्रैक्टर जो है ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ आता है, और इसका जो पावर स्टीयरिंग की रॉड जो है वो यहाँ पर आगे की तरफ डिज़ाइन करके दिया गया है, और यहाँ पर प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि लोहे का है, ये ठीक ठाक है, बढ़िया है। इसके अगर हम टोटल वेट की बात करें तो इसका टोटल वेट 1970 केजी का है, और इसका अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पडलिंग स्पेशल वाला इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 365 mm की है। इसके अगर हम वारंटी की बात करें तो वारंटी जो है इसमें आपको 5 साल और 5000 घंटे की वारंटी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है स्टार्टर का 9,15,000 से 9,30,000 के आसपास इसका प्राइस है, और ये प्राइस जो है उड़ीसा का है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस होता है, आप अपने स्टेट के हिसाब से प्राइस अपने एरिया के हिसाब से आप अपने डीलर से पूछ सकते हैं। कुबोटा MU4501 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी, आशा करता हूँ ये जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिया गया बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी दावा करता है कि ये ट्रैक्टर 0 वाइब्रेशन के साथ आता है, यानी इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मक्खन तरीके से काम करता है, कार टाइप काम करता है। तो चलिए इसका भी हम डेमो ले लेते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है, और ऊपर एक बॉटल रखा हुआ है, आप इस बॉटल को देख सकते हैं, पानी बिल्कुल भी यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा ही हिल रहा है। इंजन को आप टच करके फील भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका इंजन जो है बहुत ही अंदर है और बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से डिज़ाइन करके दिया गया है, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बोतल को हमने कोई फेविक्विक से चिपकाया नहीं है, बस यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई भी बोतल जैसा के है वैसा है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, इसका जो स्टार्टिंग स्विच है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर स्विच से ही ये बंद होता है, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर उधर रोटेट किया ये बंद हो गया, और जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो चाबी से ही स्टार्ट हो जाता है और चाबी से ही ये बंद हो जाता है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल चाबी से ही ये स्टार्ट हो गया और चाबी से ही बंद होता है।